Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup to Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness classes and DIY activities. Hello dear all, here we are back again with our chapter number 5, Animals and their Sense Organs. In the previous days we have completely read our chapter number 5, Animals and their Sense Organs. Usme humne 5 senses padhe the animals ke, sense of sight, sense of hearing, sense of taste, sense of touch and sense of smell. Ye hum sabne padh liye the. तो उसके बाद हमने एनिमल्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं, एनिमल्स कम्युनिकेशन एंड एनिमल्स एट रेस्ट, एनिमल्स को कितना रेस्ट चाहिए, कैसे कैसे रेस्ट करते हैं, वो हमने अलग अलग एनिमल्स का पढ़ लिया था. तो अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की एक्सरसाइज की. एक बार रिकॉल कर लेते हैं सेंस ऑफ स्मेल किसकी. तो सबसे शार्प स्मेल होती है रैट की, तभी वो आप सबके घर में घुस जाते हैं, एंटर कर लेते हैं. फिर स्मेल की अगर बात करें तो डॉग्स की भी स्मेल काफ़ी शार्प होती है कि वो लॉस्ट पीपल या लॉस्ट थिंग्स फाउंड कर लेते हैं. फिर हम बात करते हैं सेंस ऑफ साइट की. ईगल की सेंस ऑफ साइट बहुत शार्प है, बहुत दूर ऊपर बहुत हाई फ्लाई उड़ रही होती है और फिर भी वो चेक कर ले देख लेती है कि उसका जो है वो शिकार नीचे है. सेंस ऑफ हियरिंग डॉग की हम पढ़ चुके हैं. सेंस ऑफ टच विस्कर्स कहते हैं ना इसकी हेयर्स को, कैट के हेयर्स को, तो सेंस ऑफ टच बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. अगर एयर की डायरेक्शन भी अगर एयर किस डायरेक्शन में चल रही है, ब्रीज किस डायरेक्शन में, विंड किस डायरेक्शन में चल रही है, तो इसके विस्कर्स शेक करते हैं और इसको पता चल जाता है कि देयर इज़ समथिंग हैपनिंग इन द सराउंडिंग्स. सेंस ऑफ टेस्ट इज ऑफ फ्लाई या एंट. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज. फर्स्ट इज स्ट्रेट वेदर ट्रू और फॉल्स. बियर्स ट्विच देयर नोज टू डिटेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल इन द एयर. इज इट ट्रू और फॉल्स. बियर्स ट्विच करते हैं अपने नोज को सराउंडिंग्स की में एयर डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल को पहचानने में. नहीं, क्या कर कौन करते हैं, रैबिट्स करते हैं, बियर्स नहीं करते. तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स. एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड फॉक्सेस यूज सेंट मार्किंग टू मार्क आउट देयर टेरिटरी और एरियाज. जो डॉग्स और फॉक्सेस हैं वो अपनी एरियाज मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा एरियाज है और वहीं पर दे यूरिनेट टू मार्क दैट देयर दिस इज देयर एरियाज. वो दैट इज नोन एज सेंट मार्किंग. तो करते हैं वो, बिल्कुल करते हैं. हमने पढ़ा था डॉग्स और फॉक्सेस क्या करते हैं, ये वो अपने दिखाते हैं कि ये हमारा एरिया है और वहीं पर वो फिर यूरिन करते हैं. तो लायंस स्प्रे अ फाउल स्मेलिंग सेंट टूवर्ड ऑफ बियर्स एंड अदर अटैकर्स. लायन फाउल स्मेल क्रिएट करते हैं ताकि उनके अटैकर्स जो हैं उनके पास ना अपन बिल्कुल भी नहीं फॉल जाए. क्यों, कौन करता है, स्कंक्स करते हैं, ताकि उनके अटैकर्स जो हैं, जो उनके शिकार जो उनको मारने के लिए हैं, वो उनके पास ना आ पाएँ और वो गलत स्मेल अच्छी नहीं होगी तो वो उनके पास आएंगे ही. लायंस तो बहुत निडर होते हैं, वो तो सामने जाके वार करते हैं, तो लॉयंस तो नहीं करेंगे फाउल स्मेल ताकि उनके अटैकर्स उनके पास ना आ पाए. डॉग्स लिक टू शो देयर अफेक्शन. बिल्कुल, डॉग्स हमारे घर भी क्या करते हैं, वो अपनी टंग बाहर निकाल के हमें लिक करते हैं, हाथ पैर हमारे लिक करते हैं, चाटते हैं, तो वो बिल्कुल सही है, ट्रू है. ये हो गया हमारे ट्रू फॉक्स. नेक्स्ट है, यू कैन लुक एट द पिक्चर एंड आंसर दीज क्वेश्चन. देखिए ये पिक्चर आप देख सकते हैं, किसकी पिक्चर है ये, दिस पिक्चर इज ऑफ कैट. और कैट के किसको सर्कल कर रखा है ये, आप लोग देख सकते हैं किसको सर्कल कर रखे हैं इन्होंने, कैट के विस्कर्स को. किसको सर्कल कर रखा है, कैट के विस्कर्स को किया हुआ ना सर्कल. तो अब हम ये बता रहे हैं, नेम द सर्कल्ड सेंस ऑर्गन. जो सेंस ऑर्गन सर्कल किया हुआ है पिक्चर में, दैट इज नोन एज विस्कर्स. हमने पढ़ा हुआ है. हाउ डज दिस ऑर्गन हेल्प द एनिमल. ये ऑर्गन कैसे हेल्प करता है इस एनिमल की, मतलब जरा सी बहुत ही स्लाइट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एयर अगर होता है, बहुत ही हल्का सा चेंज भी होता है हवा के डायरेक्शन में, तब भी इसके विस्कर्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि ये हवा से हिलते हैं और इसको पता चल जाता है देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द सराउंडिंग. तो पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है. कैट्स विस्कर्स आर हाईली सेंसिटिव, दे हेल्प टू डिटेक्ट इवन अ स्लाइट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्रीज. ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए. कैट्स विस्कर्स क्या होते हैं, बहुत ही हाईली सेंसिटिव होते हैं, वो उनको पता चल जाता है देर इज़ बहुत ही डायरेक्शन में हल्का सा भी चेंज आता है तो उनको पता चल जाता है कि देर इज़ समथिंग चेंजिंग इन द इन्वायरमेंट.
नेक्स्ट क्या है, नेम द टू अदर टच रिसेप्टर्स. ऐसे ही दो टच रिसेप्टर्स बताइए, क्या क्या होंगे वो इंसेक्ट. तो हमें जैसे विस्कर्स हैं ऐसे ही सेंस ऑफ टच से रिलेटेड बताने हैं. इंसेक्ट्स के पास एंटीना है टू फील अराउंड. इंसेक्ट्स के पास हैंड्स नहीं है. एंटीना में कुछ भी अगर उन्हें फील करना होता है तो वाइब्रेशंस एंटीना को डायरेक्ट करती हैं और फिर उनका एंटीना बताता है कि दैट देयर इज समथिंग अराउंड देम. स्नेक्स के पास क्या है, पिट ऑर्गन्स कहाँ पर होते हैं, उनके हेड पर होते हैं. तो ये भी उनको सेंस ऑफ फीलिंग बताते हैं. जो भी उनका शिकार होता है, उनकी जो शिकार की जो प्रे है, प्रे मतलब उनका शिकार, उनके बॉडी से हीट जो निकलती है तो वो हीट जो है वो डिटेक्ट करती है बिल्कुल स्नेक के हेड पर, और स्नेक को पता चल जाता है दैट देयर इज समथिंग अराउंड स्नेक. चलिए नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जैकॉब्सन्स ऑर्गन इन लिजर्ड्स एंड स्नेक्स. लिजर्ड्स एंड स्नेक्स के मुंह के अंदर एक जैकॉब्सन्स ऑर्गन होता है. आप सबने देखा होगा कि लिजर्ड्स एंड स्नेक्स जो है वो अपनी टंग बाहर निकालते हैं और फिर अंदर ले जाते हैं. वो बाहर क्यों निकालते हैं, ताकि उनके आसपास के जितने भी सेंट पार्टिकल्स हैं वो उनकी टंग पर स्टिक कर जाएं. तो पढ़ते हैं उनके बारे में. जैकॉब्सन्स ऑर्गन क्या होता है, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स फ्लिक देयर टंग्स टू पिक अप द सेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर. अपनी टंग बाहर निकालते हैं तो जितने भी सेंट पार्टिकल्स एयर में होंगे, उनके आसपास होंगे, तो वो उसको पिक कर लेंगे. द टंग इज देन ब्रॉट बैक इन टू द माउथ. फिर वो अपनी टंग जो है वो अंदर ले लेंगे, अपने माउथ के अंदर ले लेंगे. देन एंड प्रेस्ड अगेंस्ट एन ऑर्गन कॉल्ड जैकॉब्सन्स ऑर्गन. और अपनी टंग को किस ऑर्गन से प्रेस करेंगे, जिस ऑर्गन से प्रेस करेंगे उस ऑर्गन का नाम है जैकॉब्सन्स ऑर्गन. और ये ऑर्गन किस चीज़ में हेल्प करता है उनकी, दिस ऑर्गन हेल्प्स टू एनालाइज डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल. अलग अलग तरह की स्मेल को एनालाइज करने में ये वाला ऑर्गन उनकी हेल्प करता है, तभी उनको पता चल जाता है कि ये क्या स्मेल है, ये क्या स्मेल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको सिर्फ और सिर्फ यही नोट करना है, द जैकॉब्सन्स ऑर्गन हेल्प्स टू एनालाइज डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल. ठीक है, आपको पूरा नहीं नोट करना, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए नोट किया. क्वेश्चन नंबर टू इज, व्हाट इज सेंट मार्किंग, नेम द टू एनिमल्स दैट यूज सेंट मार्किंग ऑफ कम्युनिकेशन. सेंट मार्किंग एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसे कौन से दो एनिमल्स हैं जो सेंट मार्किंग यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, और व्हाट डू यू मीन बाय सेंट मार्किंग. सेंट मार्किंग का पढ़ लेते हैं. सेंट मार्किंग इज एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड फॉक्सेस यूज सेंट मार्किंग टू मार्क देयर एरियाज. वो अपने एरियाज को मार्क कर लेते हैं कि ये एरिया तो हमारा ही है, वहाँ पर फिर वो सेंट मार्किंग छोड़ देते हैं. दीज एनिमल्स क्या करते हैं, ये एनिमल्स यूजली यूरिनेट एट पर्टिकुलर प्लेस और एरिया टू क्लेम इट एज देयर ओन. मतलब वो अपना एरिया बनाने के लिए अपने एरिया में अपना सब कुछ उसको अपना मानते हैं. ठीक है ना, तो दिस इज नोन कौन कौन से एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड फॉक्सेस द यूरिनेट. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फेरोमोन्स. फेरोमोन्स क्या होते हैं, समटाइम्स इंसेक्ट्स लाइक बीज एंट्स एंड वैप्स रिलीज सेंट्स टू अट्रैक्ट मेट्स. दीज सेंट्स और केमिकल्स आर कॉल्ड फेरोमोन्स. ठीक है, कुछ एनिमल्स या इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अंदर से ऐसी एक फ्रेग्रेंस या स्मेल रिलीज करते हैं जो ताकि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो उनके पास अट्रैक्ट हो पाए, उनके पास आ पाए. तो जो वो सेंट और केमिकल रिलीज करते हैं अपनी बॉडी में से, दैट इज नोन एज फेरोमोन्स. नेक्स्ट पे चलते हैं. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेंस ऑफ साइट इन एनिमल्स. सेंस ऑफ साइट इन एनिमल्स के ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है. सबसे पहले तो हम देखेंगे सेंस ऑफ साइट शार्क किसकी है, ईगल की, हॉक की, वॉल्चर की. ठीक है, तो हम अब देखते हैं, करते हैं नोट. सेंस ऑफ साइट, सम एनिमल्स हैव एन एक्सट्रीमली वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ साइट. कुछ एनिमल्स के पास बहुत ही ज़्यादा हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ साइट होती हैं. एनिमल्स लाइक चीता, चीता बहुत दूर से देख लेता है अपने प्रे को, अपने शिकार को. And birds like eagles and vultures can spot their prey from few kilometers away. जब बहुत ही दो कितने किलोमीटर्स दूर चीता होता है तब भी उसको पता दिख जाता है, उसकी आईज इतनी शार्प होती हैं कि उसका जो है वो डियर या फिर जो भी उसका एनिमल उसने हंट करना है वो उसको दिख जाता है कि चाहे वो कितनी दूर किलोमीटर्स तक खड़ा हो. और ह्यूमन बींग्स की तो आईज इतनी शार्प होती है, उनको तो 500 मीटर्स तक का ही क्लियर दिख पाता है. और बर्ड्स कौन से, ईगल और जो है वो फ्लाई करते करते आसमान में, स्काई में इतना फ्लाई हाई उड़ते उड़ते भी उनको दिख जाता है कि नीचे उनका कोई ना कोई डेड एनिमल है, ताकि वो उसको
क्या कर पाएँ, उनका फूड है डेड एनिमल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इकोलोकेशन एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। आपको मैंने जब बैट्स के बारे में बताया था, तो बैट्स क्या करते हैं, वो नेविगेट करते हैं, वो ऐसी साउंड्स अपने अंदर से निकालते हैं ताकि उनके साउंड्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर पाएँ, ठीक है, दैट इज़ नोन एज इकोलोकेशन। चलिए रीड करते हैं। इकोलोकेशन इज़ अ सिस्टम यूज्ड बाय सम एनिमल्स टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मेजरिंग हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर एन इको टू रिटर्न फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मोस्ट बैट्स नेविगेट बाय इकोलोकेशन। एग्जांपल क्या हो गया बैट का, बैट्स क्या करते हैं, ऐसे साउंड यूज करते हैं जो कि उनके साउंड क्या है, रिफ्लेक्ट करे। जब उनकी साउंड रिफ्लेक्ट करेगी तो उनका पता चल जाएगा कि उनकी साउंड जो है, उनका वो मैसेज जो है वो दूसरी बैट तक पहुंच जाएगा। अगर कुछ भी बताना होगा, उसको कम्युनिकेट करना होगा, तो वो इन साउंड से कम्युनिकेट कर लेते हैं। इकोलोकेशन का समझ में आ गया आप सबको कि जो साउंड है वो एनिमल्स निकालते हैं और वही साउंड वो रिफ्लेक्ट होकर उनके पास आती है एक मैसेज ले, ठीक है, दिस इज नोन एज इकोलोकेशन। तो आपका चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम चैप्टर आपको ये वाला कॉपी में कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपको फिर समझ में एक बार ये चैप्टर रीड करना है, लर्न करने हैं क्वेश्चन आंसर्स, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। Please subscribe our channel of EduFun Classes. Thank you for watching.